ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की। भक्तों, कन्हैया कैसेट के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा काली दमन श्रवण करने जा रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण गोकुल में आए, उस समय से लेकर के कंस नित्य प्रति एक न एक दैत्यों को भेजता है और वो मारा जाता है। सर्वप्रथम पूतना आई, दूध पीते ही प्रभु ने उसका वध कर दिया। आगे भी और दैत्य आए, कुछ दैत्यों के नाम इस प्रकार हैं। कंस ने सर्वप्रथम भेजा था प्रथम अघासुर को, बतसासुर और बकासुर को। भेजा था प्रथम अघासुर को, बतसासुर और बकासुर को। ब्रज चंद के हाथों मर कर बे पहुंच चुके थे सुरपुर को। भगवान कृष्ण ने इन सब का वध कर दिया, अघासुर, बतसासुर, बकासुर। अगली बार में कंस ने फिर भी रहे सका न मौन असुर, उस समय भेनु का सुर भेजा। फिर भी रहे सका न मौन असुर, उस समय धेनु का सुर भेजा। बल दाऊ के बल ने जिसका कर दिया चूर, सब उर भेजा। मार डाले राक्षस आते थे मरते थे, आंधी उठ उठ मिट जाती थी। वृंदावन की थी शान, वही कुछ कमी न उसमें आती थी। जय जय वास्तव में यह असुरगण स्वयं दुखी थे, आप प्रगट थे, प्रगटे थे इस जन्म में लेकर पहला पाप। ये श्राप बस आए थे, जिनका उद्धार भगवान कन्हैया के हाथों हुआ। वृंदावन में हो गया आखिर को उद्धार, इधर छुटे यह साप से उधर मिटा भू भार। बंधु, भगवान बचपन से ही समाज में फैली हुई कुरुतियों को दूर कर रहे थे। मथुरा के नागरिक गण मन को कर निर्भांत, नारद के उपदेश से देख रहे थे शांत। और अगर मथुरा के लोग कंस के प्रति अत्याचार करते या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते तो नारद बाबा शांत कर देते थे, समझा देते थे सबको कि तुम्हारे बस का कंस नहीं है,
कंसराय ने जब सुना राक्षस दल का पात, अट्टहास करके कहा साधारण है बात। बंधु बुद्धि बड़ी विपरीत हो जाती है दुष्ट व्यक्ति की। जितने भी राक्षस भेजे थे कंस ने, सारे के सारे मारे गए, और जब वो मारे गए तो भी हंसने लगा। क्या बोला? अकबक धेनुक और बत्स आदि कुछ खंभ नहीं थे इसे दारे की। अकबक धेनुक और बत्स आदि कुछ खंभ नहीं थे इसे दारे के। अरे बे तो दो चार जानवर थे, बे तो दो चार जानवर थे मेरे साही चिड़िया घर के। चार जानवर थे, मर गए, मारे जाने दे। कहने लगा कंस, अब के प्रलंब आदिक सच्चे रणमल पठाए जाएंगे। देखूंगा मत वाले ग्वाले, अरे देखूंगा मत वाले ग्वाले कब तक उत्पात मचाएंगे। कंस ने कहा अब की बार में प्रलंब आदि योद्धा भेजे जाएंगे। घटा नहीं था पाप की, मथुरा जी में बेल। मथुरा से पाप कम नहीं हो रहा था। सुखदेव जी कहने लगे महाराज परीक्षित से कि राजन, घाटी नहीं थी पाप की, मथुरा जी में बेल। अरे बंदा इधर भी थे नहीं वृंदावन के खेले। जैसे मथुरा में अत्याचार बंद नहीं था, वैसे ही यहां भी वृंदावन में भी खेल बंद नहीं थे। गिरी कलिंद की नंदिनी, कालिंदी के तीर, अरे काली दह के घाट पर खेल रहे थे। यमुना के किनारे काली दा पर गेंद खेल रहे थे। अलवेले मन चले सब, ब्रज के गोप किशोर फेंक रहे थे गेंद को एक एक की ओर। सब गेंद एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। उधर दूर पर वृक्ष के तले लगा कर ध्यान, पीणाधारी गा रहे थे अपना यह गान। और कुछ दूर वृक्ष के नीचे वीणाधारी नारद बाबा अपना एक राग अलाप रहे हैं। वाह क्या है राग, खिलाड़ी खेल रहा है खेल, खिलाड़ी खेल रहा है खेल।
केंद्र शास्त्री के तुल्य सुहाती, हरि की माया जिसे न जाती। कभी आसुरी सत्ताओं पर, कभी दैव शक्ति पे जाती। हाथों ही हाथों में फिरती, हाथों ही हाथों में फिरती, अधिक न रखती मेल खिलाड़ी। खेल रहा है खेल खिलाड़ी, खेल रहा है। नारद बाबा का गाना वृक्ष के नीचे हो रहा है। गेंद मनसुका को अधिक देते थे गोपाल, इस पर चिढ़ कहने लगा श्रीदामा तत्काल। भगवान कन्हैया मनसुका को गेंद ज्यादा देते हैं क्योंकि वो मित्र है। श्रीदामा चिढ़ गया, कहने लगा भैया मनसुका बहुत प्यारा है क्या, ऐसी हट भैया ठीक नहीं। मनसुका बहुत प्यारा है क्या, ऐसी हट भैया ठीक नहीं। हैं सभी लाल ब्रज जननी के, यहाँ भेद कन्हैया ठीक नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे देखो श्रीदामा ऐसा मत समझो, सुनो मैं इसको गेंद क्यों दे रहा हूं मालूम। उत्तर में मनमोहन बोले हठ भेद और की बात नहीं। क्यों इसे खिलाता हूँ ज्यादा, यह समझ सके तुम भ्रात नहीं। जय जय। देखो भैया हम इसको गेंद क्यों ज्यादा देते हैं, इसमें भेदभाव की बात थोड़ी है, लेकिन मैं इसको गेंद क्यों दे रहा हूं ज्यादा मालूम आपको। कल माखन बहुत खा गया ये, इसीलिए खूब दौड़ाना है। बस इसी गेंद की गोली से रोगी का रोग मिटाना है। मालूम इसने माखन कल ज्यादा खाया तो इस गोली के द्वारा इसके पेट में जो कर्कश है ये माखन कैसे हजम होगा, इसलिए इसको खूब भगा रहे पुंदा रहे हैं। बंधु खेल ये न समझे आप, खेल शरीर के रोगों को दूर करता है। भक्तों सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित से कहने लगे राजन वह गेंद और यह गोपालन यमुना का नीत नहाना यह। वह गेंद और यह गोपालन यमुना का नीत नहाना यह।
व्रत करना ग्यारस पूनों के घर घर तुलसिया लगाना यह कहने लगे सुखदेव जी राजन ये जितने भी कार्य हैं इनके द्वारा हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है इसीलिए इस खेल को तुम आदर्श बनाओ और भगवान कन्हैया अपने साथियों से करें प्रश्न भेद का छोड़कर खेलो और खिलाओ ब्रजराई की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव श्री रामा ने ले लिया वापिस निज प्रस्ताव भगवान कन्हैया ने समझाया जब तो श्री रामा समझ गए कहा ठीक है भैया अब हम ऐसा नहीं कहेंगे भेदभाव की बात को किंतु मनसुका को नहीं भाई यह तकरार बोल उठा वह बीच में लेकर बड़ी डकार माखन खाया था ना थोड़ी ऊंची डकार ली और क्या बोला खेलेगा खेल गेंद का बो जो गेंद सदृश लड़ुआ खाए खेलेगा खेल गेंद का वो जो गेंद सरस लड़ुआ खाए वह जैसा मासा राम नहीं पापड़ में पेट अफर जाए कहेंगे है मनसुका मीत तो उसको ही तुम अपनाओ अरे मैं कहूंगा हे ब्रज के राजा अब तुम मेरे ही हो जाओ जय जय मनसुका कहने लगा बस ठीक भैया तुम सिरदामा के हो जाओ मैं तो कहते हूं तुम हमारे हो भगवान कहने लगे भाई देखो भेदभाव ठीक नहीं ऐसे भेदभाव की बात करना ठीक नहीं है हम सब भाई भाई हैं और भाई भाई में भेद कैसा अच्छा सिरदामा लो तुम्हारा नंबर आ गया अच्छा लो संभलो हे सिरदामा अब पारी तुम सब की आई चालो समलो श्री दामा अब पारी तुम सब की आई यह कह कर गेंद उधर को ही जय यह कह कर गेंद उधर को ही नंद के लाला ने पहुंचाई वहां काली अदह में जा पहुंची वहां काली अदह में जा पहुंची पहुंचे पहुंचा इसके पहले पहुंचे पहुंचा इसके पहले तैरी फिर तहे में जा पहुंची श्री रामा को चलाई प्रभु ने श्री रामा मुरियंग बचायो गेंद गिरी काली दह जाई काली दह में जाकर के गेंद गिर पड़ी भक्तो
इधर गेंद गोपाल से मांग रहे थे ग्वाल, अरे सोच रहे थे उस तरफ खड़े खड़े गोपाल। भगवान एक तरफ खड़े विचार कर रहे हैं, बंधु प्रभु सोच रहे हैं, हाँ इसी बहाने आज मुझे इस काली दाह में जाना है। हाँ इसी बहाने आज मुझे इस काली दाह में जाना है। मर्दन मद मर्दन करके काली को बस रमणक दीप पठाना है। भक्तो ये कालिया रमणक दीप का रहने वाला था, कंस ने इसे बुलाया था भगवान कन्हैया के लिए कि कन्हैया इसी के द्वारा मार दिया जाए। लेकिन वारे प्रभु आप विचार करें, उस काली की वजह से यमुना में चार कोस तक जल विषैला हो गया था, इतना जहरीला था। भगवान विचार किए, उसके विष से मेरे ब्रज को नुकसान नीते ही होता है। उसके विष से मेरे ब्रज को नुकसान नीते ही होता है। अरे जो यहाँ हाथ भी धोता है वह प्राण हाथ से धोता है। ऐसा सोच करके प्रभु ने, अच्छा वही गेंद मैं लाता हूं अब हाल, यह कह कर उस कुंड में कूदे ब्रज गोपाल। व्याप उठा बस उसी क्षण दल में हाहाकार, हाय तुच्छ सी गेंद पर खोया नंद कुमार। सारे गोप कुमार रोने और बिलखने लगे प्रभु के काली दाह में जाते ही। बढ़े कूदने के लिए सबके सब ब्रजलाल, कितना प्यार था, सभी ग्वाल यमुना में कूदने को तैयार हो गए भगवान कन्हैया के पीछे। रोका तब बलराम ने बलपूर्वक तत्काल, जब सब कूदने को चल पड़े, बलराम ने कहा नहीं तुम सब नहीं कूदोगे। श्री रामा कहने लगा बलदाऊ, श्री रामा बोला बलदाऊ सचमुच तुम बड़े निर्दयी हो। श्री रामा बोला बलदाऊ सचमुच निर्दयी बड़े हो, तुम खुद नहीं कूदते और हमें यूं रोके हुए खड़े हो तुम। श्री रामा कहने लगा कैसे तुम बड़े भैया हो, छोटे भैया के प्राणों पर आई और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। बलदाऊ तत्क्षण बोल उठे श्री रामा है ये बात नहीं, तुम जैसा मुझे कह रहे हो वैसा मैं दुर्बल भ्रात नहीं।
वह नहीं बड़ा भाई हूँ मैं, जो बात बात में घबराए। अरे छोटे की छाती खुली देख चिल्लाए, हवा न लग जाए। मैं ऐसा बड़ा भैया नहीं हूं कि छोटे भैया का सीना खुला देखूं और कहना ना बंद करो हवा न लग जाए। सुने हो, घबराओ नहीं, विश्वास मुझे। बलदाऊ भैया कहने लगे, साथियों घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, विश्वास मुझे, कान्हा न विलंब लगाएगा। घबराओ नहीं, विश्वास मुझे, कान्हा न विलंब लगाएगा। कालिया पर अभी विजय पाकर, कालिया पर अभी विजय पाकर जल के ऊपर आ जाएगा। घबराओ नहीं तुम लोग, अभी आ रहा है कन्हैया। अच्छा वे आए नहीं तब क्या होगा भ्रात, डरते डरते कह गया श्रीदामा यह बात। श्रीदामा कहने लगा, अगर भैया ना आए तो तब क्या होगा। दाऊ बोले, तब ये बल दाऊ जाएगा, तब ये बल दाऊ जाएगा। अरे कालिया क्या यम तक से लड़कर, कालिया क्या यम से तक लड़कर भाई को वापस लाएगा। कन्हैया तो जाऊंगा मैं, काली क्या यमराज से भी लड़ करके भैया को वापस लाएंगे। दो घड़ी तलक है इंतजार, फिर जल और थल कम पाएंगे। मामूली नहीं, स्वयं शेषावतारी बलराम भैया बोल रहे हैं। दो घड़ी तलक है इंतजार, फिर जल और थल कम पाएंगे। फिर जल और थल कम पाएंगे। दाऊ के दोनों हाथों पर दोनों जहान टकराएंगे। एक बार प्रेम से बलदाऊ भैया की।